दोस्तों जे बी एम ऑटो लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज 2 मई 2022 को हुई है और इस मीटिंग में Q4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ फाइनल डिविडेंड को भी डिक्लेयर कर दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रुपए प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं आप देखिए कंपनी ने स्टैंड अलोन और कॉन्सोलिडेटेड को एक साथ ही प्रेजेंट कर दिया है मैं आपको इस कंपनी के कॉन्सोलीटेड रिजल्ट को बताऊंगा। क्वार्टर फोर में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक करोड़ उनतीस लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये आठ करोड़ चौबीस लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर में ये सात करोड़ अट्ठासी लाख था तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 44 परसेंट का ग्रोथ है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 30.5 परसेंट बढ़ा है क्वार्टर फोर में टोटल रेवेन्यू एक करोड़ बाईस लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये आठ करोड़ अट्ठासी लाख था और प्रीवियस ईयर एक क्वार्टर फोर में ये सात करोड़ छः लाख था तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 44 परसेंट का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 30 परसेंट बढ़ा है क्वार्टर फोर में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पचासी करोड़ तिरासी लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 33 करोड़ 7 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर फोर में ये बत्तीस करोड़ बहत्तर लाख था तो आप देखिए इस कंपनी के पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक परसेंट का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी का पैट एक परसेंट बढ़ा है क्वार्टर फोर में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर सात रुपये छब्बीस पैसे है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये दो रुपये अस्सी पैसा था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर में ये दो रुपये सतहत्तर पैसा था अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक परसेंट का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह लगभग एक परसेंट बढ़ा है क्वार्टर फोर में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 11.5 परसेंट है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 10.5 परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर में ये 11.3 परसेंट था तो आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो स्टेबल है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी बढ़त ही है क्वार्टर फ़ोर में इस कंपनी के पैट का मार्जिन आठ परसेंट है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये चार परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर में ये फोर पॉइंट फोर परसेंट था तो आप देखिए पैट के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर कितनी ज़्यादा बढ़त है तो आपने देख लिया इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पैट और ई इन तीनों में ही ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त है इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो स्टेबल है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये थोड़ा बढ़ा ही है और इस कंपनी के पैट में तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है तो मेरे हिसाब से तो इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा है दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद